हम लोग अभी फिलहाल जा रहे हैं टेक बाजार का एक सेगमेंट आपके लिए शूट करने के लिए, बिकॉज हम लोग जाने वाले हैं एक मार्केट में जहाँ पे दुनिया भर की गैजेट्स मिलते हैं, और वहाँ पे जाके शॉपकीपर से हम पूछने वाले हैं कि अभी फिलहाल सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग गैजेट कौन सा है, एंड वी गोना हियर इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ इटसेल्फ। तो देखते हैं अब क्या होता है। आ गए हैं ऑफिस के पास, हमारी एक मार्केट है, यहाँ पे गैजेट्स बहुत सारे मिलते हैं। शॉपकीपर से जाके पूछते हैं कि सबसे ज्यादा जो फेमस गैजेट अभी फिलहाल सबसे ज्यादा कौन सा चल रहा है। तो आज शिवम और मैं दोनों आए हुए हैं, हम लोग एक मार्केट प्लेस पे आए हुए हैं, और यहाँ पे हम लोग जानना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा जो फेमस गैजेट है, नॉट फेमस बट सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग गैजेट कौन सा है। और बहुत हॉर्न बज रहे हैं आसपास हमारे, बट वी वॉन्ट टू नो वॉट इज विच इज द हॉटेस्ट सेलिंग गैजेट एज ऑफ नाउ, और उसके बारे में जान पहचान करेंगे एंड वी टेल यू अबाउट। तो अभी हम लोग शॉप के अंदर जाने वाले हैं, इसका नाम है गैलेक्सी वर्ल्ड, और जैसा आप देख सकते हो इनके पास सारे के सारे फोन ब्रांड्स जितने भी हैं सारे इनके पास स्टॉक में हैं। वी गोइंग टू आस्क देम कि अभी फिलहाल इनकी सेल सबसे ज़्यादा किस फोन की हो रही है, विच इज जनरेटिंग मैक्सिमम रेवेन्यू फॉर देम। रजत और विक्की हमारे साथ हैं, और ये हमें बताएंगे कि अभी सबसे ज़्यादा सेल किस फ़ोन की हो रही है या किस डिवाइस की हो रही है इनकी शॉप में से। तो विक्की, आपसे अगर शुरू करें तो अभी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किस फ़ोन से जनरेट होता है? अगर वैसे देखा जाए तो जो हमारा अभी सैमसंग का एक लेटेस्ट फ़ोन आया गैलेक्सी A50, इसमें होता है A50, ये वाला जो पड़ा हुआ है सैमसंग, और इसका जो प्राइस है अराउंड 18,500 के करीब। तो कोई कस्टमर आता है तो आपसे सबसे पहले आगे क्या पूछता है? वो यही पूछता है कि मुझे एक डिवाइस चाहिए, और वैसे तो इनके बारे में कंज्यूमर ऑनलाइन पढ़ के भी आते हैं। हाँ। तो वहाँ पे आने में डायरेक्टली कस्टमर का पहला क्वेश्चन रहता है कि गैलेक्सी 50 है, मोस्टली कस्टमर यही पूछते हुए आते हैं। बाकी जो 120 आते हैं वो तो मुझे यही दिखाते हैं। तो 120 में ओप्पो और वीवो के भी बहुत ऑप्शन हैं, तो क्यों अगर यही वाला क्यों आप सजेस्ट कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पे आपको कस्टमर्स को मिलता है इन्फिनिटी जो डिस्प्ले का डिस्प्ले मिलता है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, ये आपको जो इसमें A50 ये रहा हमारे सामने, नॉच इसमें आपको ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आता है, सुपर एमोलेड स्क्रीन के साथ होगा, प्लस यहाँ पे इस सेगमेंट में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट भी मिलता है, बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है इसका, 4000 mAh का बैटरी और फास्ट चार्जर के साथ आता है। ये इन डिस्प्ले भी मिल रहा है आपको, फास्ट चार्जिंग ऑफ कोर्स मिल रही है इसमें, ट्रिपल रेयर कैमरास मिल रहे हैं, एंड स्लीक तो ऑफ कोर्स है ही है, ये लाइट वेट भी है। अगर 10,000 का कोई फ़ोन है, 10,000 से कम में कोई अपना बजट लेके आए, तो उसको आप कौन सा फ़ोन रेकमेंड करें? ओप्पो से ले सकते हैं। कौन सा फोन दिखा रहे हो? A5s। ओप्पो का A5s। अच्छा, ये A5s जी। इसका क्या प्राइस है एग्जैक्टली? ये पड़ेगा 90,990 का है। 9,990 तो लगभग 10,000 का ही पूरा का पूरा आपको ये फ़ोन पड़ रहा है। एंड ये जो ओप्पो का फ़ोन है A5s, क्या इसके एग्जैक्टली क्या स्पेसिफिकेशंस हैं इसके, इसके बारे में अगर थोड़ा सा बता। ड्यूल रेयर कैमरा है वो तो डबल रियल कैमरा से आता है, इसमें आपको तीन बार रोल आते हैं, एक इसमें 2GB रैम साथ आता है, एक इसमें 3GB आता है, एक 4GB। तो आज हम आपको बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके बता रहे हैं कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या चल रहा है अभी। अगर 10,000 से 20,000 के बीच में कोई फ़ोन खरीदने आता है तो यूजली सैमसंग का A50 है जो सबसे ज़्यादा बिक रहा है, एंड 10,000 से कम का अगर कोई फ़ोन लेना चाहे तो A5s ओप्पो का ये सबसे ज़्यादा चल रहा है, एंड ऑफकोर्स इट्स क्वाइट अ गुड लुकिंग डिवाइस। दोनों के स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो आप आराम से वी कैन टेल यू ऑल अबाउट दैट, बट फिलहाल दीज आर बेसिकली द टू फोन्स विच आर रूलिंग द डिफरेंट प्राइस ब्रैकेट्स इन द मार्केट। अब इसके अलावा अगर आप कोई और जानना चाहते हैं कि अगर किसी और डिवाइस के बारे में जानना चाहते हैं या किसी भी और एक्सेसरी के बारे में जानना चाहते हैं, राइट इन टू अस, कॉमेंट्स पर डालते रहो, आपके कॉमेंट्स से ही हम लोग अपना कॉन्टेंट जनरेट करते हैं। सो वील बी इन टच विद यू। ये हमारा टेक बाजार था, एंड वी टेलिंग यू एग्जैक्टली बाजार में क्या चल रहा है एज फार एज द फोन्स आर कंसर्न्ड।